बच्चों, कोरोना की तीसरी लहर ऑलरेडी आ चुकी है और उसका इफेक्ट एग्जाम्स पर भी क्या पड़ने वाला है, वो उसका भी आइडिया करीब करीब क्लियर होने लगा है। जेई मेंस ने अपने जनवरी फरवरी वाले स्लॉट को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, यानी वो मार्च ऑनवर्ड्स अपने टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं जेई मेंस। तो जो तीसरी लहर है उसका इफेक्ट अब एग्जामिनेशन से बड़ा साफ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो एक अंदाजा ये लग रहा है कि जो काम 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, वही आपको 2022 में दोहराता हुआ दिखेगा। यानी जेई मेंस की भी और नीट की भी जो मेरिट है वो हाई जाने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, या मेरिट हाई जाएगी ही जाएगी, जैसे कि 2020 में गई, 2021 में गई। उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों को तैयारी करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो जो बच्चे सिंसियरली पहले से ही लगे हुए हैं, जब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया, एक्स्ट्रा टाइम उनको मिल गया, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर लेंगे। तो ऑब्वियसली वो, जैसा आपने 2021 में नीट में देखा कि पेपर टफ आने के बावजूद मेरिट हाई गई, कई लोगों ने, बच्चों ने 100% स्कोरिंग किया। प्लस जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर हैं, जो कुछ नंबर से रह जाते हैं, उनके पास भी जब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो वो एक अच्छी स्कोरिंग करके अपनी रैंक को बढ़ा ले जाएंगे। यानी बच्चों, कोरोना के तीसरी लहर का एक असर तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एग्जाम डिले होगा, जेई मेंस भी डिले होगा और नीट 2022 भी डिले होगा, और उसका असर सीधे सीधे मेरिट पर जाएगा और पेपर के भी टफ आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको बच्चों करना क्या है, आपको भी इस एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट लेना है। ये जो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसका आप बेनिफिट लो। आपकी भी प्रिपरेशन अभी अगर उस लेवल पर नहीं आ पाई है, तो आप भी उसी कैटेगरी में हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप भी एक बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन को निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो पीछे का अगर मान लो किसी कारण कुछ लापरवाही हो भी गई है, कुछ टॉपिक छूट भी गए हैं किसी भी कारण, तो आप उसको अब कवर कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम मौजूद है। तो बच्चों करना क्या है आपको, आप अपना जो फॉर्मूले सेट है, फिजिक्स की बात करें अगर हम लोग, तो फॉर्मूले सेट अपने आप पूरे तैयार रखो। फॉर्मूले के वीडियोस भी डाले जा रहे हैं जिसमें पूरे फॉर्मूले को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन किया जा रहा है, फॉर्मूले के सेट्स को डाला भी जा रहा है, उसके वीडियोस को भी डाला जा रहा है चैनल पर, वो आप देखते हो। शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करो बच्चों बहुत जल्दी इस चैनल पर। शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है और उसको कैसे रिविजन के लिए प्रॉपर यूज करना है, ये भी वीडियोस को भी इस पर भी डाला जाएगा। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें मॉडर्न फिजिक्स हो गया और लीनियर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन, इसके भी वीडियोस आते जाएंगे। तो आप उससे भी साथ साथ पढ़ते जाओ, उसका प्रॉपर पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता जा रहा है, प्लस उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको उसमें मिलते जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग बच्चों, उसका लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें कुछ स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें ये उसमें रेगुलरली फीड होती रहेंगी। आपकी जो तैयारी हो चुकी है उसको परखने के लिए आप जो ये प्ले स्टोर से जाके फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं सारे फिजिक्स के, पूरी फिजिक्स के उसमें टेस्ट पड़े हुए हैं, बल्कि उन टेस्ट का लिंक भी है। आप डायरेक्टली, जैसे आपको लगता है कि मुझे लीनियर मोशन का टेस्ट देना है, तो आप लीनियर मोशन का सिर्फ जाके टेस्ट दो और उसमें आपकी क्या मार्किंग आ रही है आप उसमें वो भी देखो, और आपका जो डिटेल उसका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो भी आप देखो। तो बच्चों इस एक्स्ट्रा टाइम का आप भी यूज करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करते जाओ, साथ साथ में उसमें जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि वो टफ है या वो किसी कारण आपके वीक है या वीक कॉन्सेप्ट है आपका उसमें, तो उसको आप जरूर मार्क करते जाओ, ताकि रिवीजन के समय आपका ध्यान पहले उन क्वेश्चंस पे जाए जो कि आपको टफ लगे थे। बच्चों आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, आप भी सिलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी रैंक से हो गए, बस इस टाइम का ये मिसयूज ना होने पाए। कोई कभी कभी जब होता ही है कि जब टाइम हमारे पास में ज्यादा है तो आलस ज्यादा आ जाता है, लगता है कि अभी तो हमारे पास ज्यादा टाइम है, हम कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो रात दिन एक किए हुए हैं, तो हमें भी वही काम करना है, हम इस एक्स्ट्रा टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करें और एक बहुत अच्छी रैंक से नीट या जेई मेंस, जो भी हमारा उद्देश्य है, या जेई एडवांस, उसको एक बहुत अच्छी रैंक से निकालें। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।